हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल पेज लाइव। हियर आई एम अंशिका मिश्रा फ्रॉम ऊंचाहार, गोइंग टू मेक खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने शुगर लिया है और इलायची ली हुई है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने काजू और बादाम कट करके रख लिया है, ये हमने गार्निशिंग के लिए लिया हुआ है। थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता कट करके रख लिया है। यहाँ पे हमने मखाना लिया हुआ है छोटी कटोरी, और यहाँ पे हमने राइस लिया था, हाफ बाउल राइस लिया था, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा दरदरा, और फिर हमने इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अमूल का दूध लिया था, जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। 1 लीटर दूध हमने लिया था, इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसको एक भगोने में डालेंगे। हमने 1/2 लीटर दूध डाल लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। हम इसे कवर कर देंगे जिससे ये जल्दी से बॉईल हो जाए। जब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, फिर हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपने कई बार ही खीर बनाई होगी, पर इस स्टाइल में आप बना के देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमें राइस को दरदरा ही पीसना है, इसको ज़्यादा फाइन मत करिएगा। हेलो सीमा जी, हेलो उमा जी, हेलो अरिका जी। ये देखिए हमारा मिल्क हल्का सा बॉईल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना राइस, जो हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था रोस्ट करके। मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ, हमने 1 चम्मच घी लिया था, उसमें 1/2 कटोरी राइस लेके उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद ही हमने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है।
हम इसे थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे। नहीं, मखाना हमने रोस्ट नहीं किया, हमने कोई भी टाइप फ्रूट रोस्ट नहीं किया है, पर आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे रोस्ट नहीं पसंद ज़्यादा, इस वजह से मैं इसे रोस्ट नहीं करती हूँ ड्राई फ्रूट्स कोई सा भी। ज्योति जी, मैं ये लाइव फिनिश करके आपको मैसेज कर दूंगी। हमें इसे बस ज़्यादा नहीं पकाना, हमें 4 से 5 मिनट तक ही पकाना है। बस हमें राइस को हल्का सा अच्छे से कुक करना है। ये देखिए हमारे चावल हल्के हल्के से पक गए हैं, हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपने जितना मीठा खाना हो। अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे जिससे यह जल्दी से मेल्ट हो जाए। जी मैं आपको लाइव खत्म होने के बाद बताती हूँ ज्योति जी। यहाँ पे इलायची तब तक के लिए कूट लेते हैं, मैं यहाँ पे 3-4 इलायची का वो दे रखा है, हम इसे अच्छे से कूट लेंगे। आपको जो सा फ्लेवर पसंद है आप उसमें वो डाल सकते हैं, आप इलायची डाल सकते हैं, आप रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, आप वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसमें वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इलायची डाल रहे हैं। हमने अपना इलायची को हल्का सा कूट लिया, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अपनी फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चावल पक गया है। थोड़ा सा कच्चे में
इसे सिर्फ 2-3 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मखाने डालेंगे, आप इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अब इसमें हम कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे, थोड़े से पिस्ता ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने यहाँ पे गार्निश के लिए बचा लिया, जो कि हम बाद में इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे हमने राइस को रोस्ट करने के लिए अमूल का घी यूज़ किया था और मिल्क भी हमने अमूल का यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। बस हमें इसे थोड़ी देर पकाना है, फिर गार्निश करने के लिए हम इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बारी। देखिए हमारी खीर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी होने लगी है। ये देखिए हमारा राइस पक चुका है, ये देखिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। अमूल की जगह चीनी की जगह आप इसमें अमूल का मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमारी खीर बनके रेडी है, ये देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे।
हम इस पे डालेंगे थोड़े से काजू बादाम, थोड़ी सी पिस्ता, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल्स जस्ट फॉर गार्निशिंग। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब भी ठंडी हो जाएगी तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जब एकदम चिल्ड हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लाइव, प्लीज़ आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।